Hello guys, welcome to my channel. I mean welcome to Kalyani Agrawal's vlogs. And today मैंने ऐसा कोई vlog बनाया नहीं है. मैंने क्या किया है कि सब कुछ clips अभी आप देखने वाले हैं जो मई के हैं. So it's of May 2024. Yes, when I went to pinch. तो उसके दो तीन clips हैं. वो आप दिक्कत आ जाइए फिर करते हैं बातें बातें. शेर खाता है कि नहीं है? मारता है. नील गाय किसको खाती है? घास खाती है. फसल खाती है. अभी जैसे लोग कहते हैं बादल देख ही लिया होगा पिंच के ब्लॉग्स हो आई मीन क्लिप्स. सॉरी आज मेरा दिमाग एकदम ऑफ है राइट नाउ बिकॉज ऑफ सम थिंग्स बट या. तो फिर अभी कुछ नहीं, बस अभी मैंने डाले हैं कुछ क्लिप्स वेयर आई वाज गेटिंग रेडी फॉर राखी. तो इस बार राखी वाज गुड, नॉट दैट ग्रेट. तो उस पर मुझे याद आया कि समटाइम्स आई थिंक दैट पीपल एक्चुअली डोंट वैल्यू रिलेशनशिप्स मच. व्हाट दे वैल्यू इज मनी, व्हाट दे वैल्यू इज दैट दी देमसेल्फ. यस, इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर. पहले की फैमिलीज में बहुत मेंटेनेंस होती थी, अभी कोई नहीं करता इस जनरेशन में ऑनेस्टली. तो बस मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ कि नो अ सिंगल पर्सन डिड नॉट कम टू मी फॉर राखी एंड वॉट एवर. मैं मूड ऑफ हुआ बट आई वॉज लाइक लेट इट बी. मतलब इट हैज़ टू बी टू वे एफर्ट फॉर एनी रिलेशनशिप राइट. तो बस उसके कारण फिर भी मैंने अपने आप को हैंडल किया एंड आई गॉट रेडी फॉर माई सेल्फ. इररिस्पेक्टिव मैं किसी को राखी बांध रही थी उस दिन या नहीं, बिकॉज मेरा भाई तो मुंबई में रहता है. तो बस और फिर राखी के ही क्लिप्स है एंड लास्ट में दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट्स इट. बिकॉज मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने बस मुंबई का एक और क्लिप डाल दिया. दैट इज़ व्हेन आई वेंट टू एनमैक. बस उसका एक दो क्लिप्स आपको दिखे ही होंगे. एंड उसके बाद आई गॉट सिक फॉर लाइक 1 week स्ट्रेट. तो मैं मेडिकेशन पे थी तो उसकी वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मेरा मन ही नहीं कर रहा था, आप समझ सकते हैं. एंड उसके बाद मैंने बस शेयर किया व्हाट आई फेल्ट और मैं बातें बहुत करती हूँ आपको पता है.
तो जस्ट बेयर विथ माई टॉकिंग, बट आई होप दैट आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स. इनफैक्ट मुझे तो बड़ा मज़ा आता है खुद के व्लॉग्स देखने में. अब उसको आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलो या कुछ भी बोलो, बिकॉज दैट इज़ वॉट अपलिफ्ट माई मूड, बिकॉज इट शोज दैट हाउ मच आई प्रोग्रेस्ड इन माई लाइफ. या फिर पहले मैं क्या थी, अभी मैं क्या हूँ. एक्चुअली दैट इज़ अ मच डिफरेंस, राइट? पहले मैं डांस करती थी, अब मैं डांस नहीं करती. तो पहले की वीडियोज़ देख कर हमने कल्याणी यू हैव टू डांस, बट वो छुमंतर हो जाता है. तो वो बात हम बाद में करेंगे कोई और गपशप वाले ब्लॉग में. अभी के लिए बस फेस दिखाना है, फेस दिखाना है. सीधे में निकालती हूँ, फिर से रखो ऐसे. लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा टुडेज का व्लॉग. एंड उसके पहले मैं आपको एक दो क्लिप्स दिखाऊंगी जो पहले किए गए, तब मैं लोग भी एडिंग इट आफ्टरवर्ड्स. सो टुडे इज़ 19th of August एंड टुडे इज़ रक्षाबंधन. एंड मेरा भाई तो मुंबई में है एंड आई एम हियर. सो लेट्स सी, यू नो कि ऐसा कुछ खास प्लान्स तो है नहीं. सो आई एम गोइंग गेट फ्रेश अप एंड गेट रेडी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज अ फेस्टिवल है एंड फेस्टिवल कभी भी इनकम्प्लीट होता है विदाउट गेटिंग प्रॉपरली रेडी, यू नो. तो वो होता है ना कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे तो कि प्रॉपरली रेडी होने का. कि तब प्यारा प्यारा मेहंदी लगाई हूँ मैंने, इतना अच्छा रंग और स्मेल आ रहा है कि आई एम गोइंग टू गेट शावर एंड देन गेट रेडी प्रॉपरली. क्या पहनती हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एम आई सपोज टू वेयर, एथनिक और वेस्टर्न? मैं एथनिक. तो बातें बात और अभी बताती हूँ हाउ द डे गोज एंड लेट यू नो. इनफैक्ट लेट यू गेट अपडेट. ओह माय गॉड, दैट्स गुड, राइट? दैट्स द लाइट इज रियली गुड. सो या, दिस इज माय आउटफिट. याय. सो इट्स अ पिंक कलर एंड विद अ पिंक इयररिंग, माय वॉच एंड माय बैंगल. ओके, एंड दिस इज माय मेहंदी, एज यू कैन सी. So this is my outfit, see, with the plazo dupatta in this, and I love pink color, and this is looking really good, the fitting and everything. And if I go with a mochi, then it look lovely, but I don't have to go anywhere, so maybe I don't need a mochi, right? So how is it, just let me know. My face acha nahi lag raha, zara suit acha laga, my face nahi wow. कहा सब जगह कॉर्नर कॉर्नर नहीं. हाँ बोलो मैडम, खुश रहिए. सो मेरा भी फिलहाल जो लिप मैंने ट्राई किया बट एंड इट हैज़ बिकम अ डिजास्टर, बट इट्स फाइन. आई थिंक इट विल टेक टाइम टू यू नो रूम. सो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरी वन, ऑल ऑफ यू. एंड दिस इज मी गेटिंग रेडी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज कोई सेलिब्रेशन एज सच है नहीं. तो मैं सोचा अपने लिए रेडी हो, जस्ट शो यू माई आउटफिट एंड हाउ इज इट लुकिंग एंड यू नो इज इट लुकिंग गुड और नॉट. एंड लेट्स मेक सम वीडियो रील्स. Okay, hopefully my mood will get better. Let me just pause. Sometimes I really wonder that is it just me or there are many people who like to watch some shows, but I don't think anyone else would like to watch it again. So one of the shows are Meteor Garden. I just love watching it. I don't know, maybe I don't feel that is realistic and that gives me another type of you know happiness to watch that show. Here's the outfit first. Here's the outfit number 2. And now we're going to open it. And here's the outfit number 3. We're going to try it. And ये भी आउटफिट नंबर 4 है, इसको हम ट्राई करेंगे. और ये आउटफिट नंबर 5 है.
मोटी हो गई. वेरी गुड. हाय. सो आई थॉट बिफोर एंडिंग दिस ब्लॉग I should be putting something which is going in my mind and would like to share with everyone. So, today I went to hospital for my checkup and everything. There a lady was bought because she drank phenyl. I mean, basically she tried to do suicide. And at that point, I was shocked. I got freezed. How can people think like that? Like, I know. I completely understand even if people have these type of thoughts. But don't take lives first. You know, don't take your lives for so much granted. For like, yeah, you should respect your life. You should be thankful for your life. Everyone doesn't get a life to live. You are lucky to live a life, which I think someone on the hospital bed is imagining. I wish I can live more. And that person is not able to live more. Yes, we are well, human beings. We will get tired. We'll be like, oh my God, how many problems are we facing? It's better to just die. But don't give up, please. It's your life. You deserve it. Whenever you have to go, you will go. But you shouldn't change the plan of going right. Just live every moment and don't take anything seriously and everything. I feel if God has given you a life, just take it and be thankful. If people are fighting with certain illness, just imagine what they can give up easily, but they are not. They are fighting each and every day to the core. I really request everyone to just respect your life. Have fun. Don't have this thought of ever giving up. Please, if you have any problem, just share. Share it with me. Share it with anyone around you. Just write. Do whatever you want to. Just vent it out. Don't take it to that level where you can't come back. So, that's all about me. Thank you so much, guys, for watching the vlog. Just keep on subscribing, like, share, subscribe, and lots of love. Hello, namaste and welcome to my channel. So मैं इतने vlogs देखती हूँ तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी vlogging कर लेती हूँ. So आज मैं अभी बज रहे रात के 1 बजे and it's 29th August. So मैं 24 hours आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं exactly करती क्या हूँ और 24 hours मेरी ज़्यादा बकबक होगी because उससे ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैंने मेडिसिंस ले ली है अपनी और मैं एक और मेडिसिन लूँगी एंड मैं गर्म पानी पी रही हूँ. तो उसके बाद आई एम थिंकिंग टू रीड द बुक दैट इज़ द मॉन्क हू सोल्ड हिज़ फरारी. जस्ट अ सेकंड, आपको दिखा देती हूँ. तो ये मैं आई थिंक पढ़ सकती हूँ. मतलब डिपेंड्स एंड देन टुमारो लेट्स सी हाउ द डे गोज. बट मैं सोची उसके पहले मैंने मुंबई में यू नो एक क्लिप लिया था एनमैक में, तो आपको वो देख कर आ जाइए तब तक. एंड मिलते हैं वापस. बाय बाय. सो मैंने आपसे अपना शेयर किया कि व्हाट आई सॉ व्हाट आई फेल्ट एंड थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो गई थी. बट नेवरदलेस थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द व्लॉग. Keep loving, keep showering your love. Like, share, subscribe. Bye-bye.